इंदौर विकास प्राधिकरण शहर के विकास की नई इबारत लिख रहा है। इंदौर विकास प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं जयपाल सिंह चावड़ा जी, वो मेरे साथ हैं और ये गर्डा चढ़ाने का लपकुश चौराहे पर जो ओवरब्रिज बना है उसका काम यहाँ पर किया जा रहा है और आज इसकी शुरुआत हुई है। जी बताइए, किस तरह का ये ब्रिज है और कैसे इसको बड़ी मशक्कत से यहाँ पर चढ़ाए जा रहे हैं गर्डर? इंदौर विकास प्राधिकरण अपने विकास के कार्य में लगातार लगा हुआ है और उसी के अंतर्गत आज हम लवकुश चौराहे पर जो फ्लाईओवर 1 सुपर कॉरिडोर से विजयनगर की तरफ जो हम बना रहे हैं, इसका पहला गार्डर आज लॉन्च हो रहा है। ऐसे 72 गार्डर इस पर लॉन्च होंगे और इसके बाद लगभग 3 से 4 महीने में बंदर के कंप्लीट हो जाएगा। 600 मीटर के लगभग ये फ्लाईओवर है और 12 मीटर चौड़ाई 6 लेन बनकर के जब तैयार होगा तो इंदौर का इस क्षेत्र का जो दृश्य है वो अपने आप में अलग ही होगा। लगभग 2 से 2.5 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे और सुपर कॉरिडोर पर रहने वाले जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, उद्योगपति हैं, वर्कर्स हैं, इन सबको इसका और लाभ मिलने वाला है। अच्छा, उज्जैन जाने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा? उज्जैन जाने वाले, आप ये मानिए कि धार तरफ का जो पूरा एरिया है ना, गुजरात और इधर जो भोपाल से दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, इनसे सबसे इंदौर से गुजरने वाले जितने भी लोग हैं वो इसी फ्लाईओवर से गुजरेंगे और इसलिए इसको इसी प्रकार से तैयार किया गया है कि इसमें दिल्ली से लेकर भोपाल और इधर गुजरात में आने जाने वाले जो यात्री हैं, जो लोग हैं, उनको इसकी सुविधा मिल सके। कब तक ये बन के तैयार होगा, कब इसका उद्घाटन होगा? इसकी शुरुआत, पहला फ्लाईओवर की शुरुआत हमने यहीं से की थी। बीच में किसी कारण से कुछ जो है पाइपलाइन है, कुछ MPP का कुछ काम है, कुछ गैस पाइपलाइन है, इनके कारण से थोड़ा सा काम प्रभावित हुआ था। अभी डे नाइट करके हम आने वाले 3-4 माह में इसको शहर को समर्पित करेंगे। IDA के CEO RP अहरवार भी हमारे साथ हैं। किस तरह का ये काम हो रहा है, कब तक पूरा होने की उम्मीद है? जैसा आप देख रहे हैं कि हमें 18 महीने बनाना था इसको, सितंबर 2024 में, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये है, इंदौर विकास प्राधिकरण का, हमारे माननीय अध्यक्ष जी का और सभी पूरी टीम का, कि इसको हम समय से पूर्व एक जो हमारा लेन है वो पूरी चालू करें, लेफ्ट हैंड साइड, इसके बाद राइट हैंड साइड भी हम लोग सितंबर तक अचीव करने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज पहला गर्डर लॉन्च हुआ है, रोज़ लगभग 4 गर्डर के हिसाब से लॉन्च होंगे। गर्डर के बाद फिर ऊपर सीमेंट कंक्रीटीकरण होगा, CC होगी, फिर जो अर्बन स्पेस मैनेजमेंट होता है कि इसके नीचे जो जगह होती है हम लोग उसका भी प्लान कर रहे हैं ताकि एक साफ़ सुथरी जगह रहे, थोड़ा ब्यूटीफुल जगह रहे, शहर के लोगों को कुछ प्ले जोन मिल सकें या कुछ और अच्छे स्थान वहाँ मिल सकें, उसको भी मैनेज करेंगे और जल्दी से जल्दी इस लेन को हम लोग चालू करेंगे। कितना लंबा ये ब्रिज है? ये एक साइड जहाँ अभी हम लॉन्च कर रहे हैं 600 मीटर का है और उसके अपोजिट साइड वाला जो राइट हैंड साइड का है वो हमारा 670 मीटर का है और ये 24 मीटर का है, एक साइड 12 मीटर, एक साइड 12 मीटर, 6 लेन फ्लाईओवर है। सिग्नल फ्री सिटी जो आप बना रहे हैं इसमें भी इसी तरह के कुछ गर्डर लगाने वाले हैं? इंदौर विकास प्राधिकरण ने अभी 6 फ्लाईओवर काम चालू किया है। इन सभी 6 फ्लाईओवर हम ये कोशिश करेंगे कि सिग्नल फ्री यातायात शहर को दे सकें। खजराना फ्लाईओवर हमने प्लान कर लिया है, इस चौराहे पर 2 फ्लाईओवर आ रहे हैं, एक सुपर कॉरिडोर से विजयनगर तरफ जाएगा, दूसरा इंदौर से उज्जैन जाने वाले जो लोग हैं वो डबल डेकर 170 करोड़ की लागत से जो बन रहा है, ये तब जो दोनों जब बन जाएंगे तो निश्चित ही इस क्षेत्र को सिग्नल फ्री चौराहे मिलने वाला है और मुझे विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। ट्रैफिक को कितना लाभ होगा इससे? इससे देखिए, प्रतिदिन जो है लगभग 1.5 से 2 लाख वाहन यहाँ से मूव करते हैं और जब ये फ्लाईओवर बन जाएगा और सिग्नल फ्री हो जाएगा तो जो लगभग 3 मिनट का एक सिग्नल होता है वो पूरा का पूरा बच जाएगा। तो स्मूथ ट्रैफिक की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं, राहगीरों को कोई दिक्कत ना हो, जो रुकने का समय लगता है, कंजेशन होता है, वो मिल फ्री हो सके उससे। देखिए, इंदौर को सिग्नल फ्री सिटी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इस ओवरब्रिज के बन जाने से उज्जैन जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी लाभ होने वाला है। कैमरा विजय के साथ अरुण त्रिवेदी, पब्लिक फास्ट, इंदौर। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।
सर्वदा भारतीय।